तो यार मेरी पुरानी वाली वीडियो के अंदर तो आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया था, और उस वीडियो को देखते हुए, उस वीडियो के आपके कमेंट्स को देखते हुए मैंने ये आइडेंटिफाई भी काफी लोगों के फोन में वो गेम लैग कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है लैग करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एंड डिवाइस इट रिक्वायर्स। बट गाइस डोंट वरी, आई एक्चुअली हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम टू कम्प्लीटली फिक्स योर लैग इन योर गेम। तो गाइस व्हाट वी आर डूइंग इन today's video is we are going to remove PC settings from the game. Now it will result decrease in graphics, but thoda bahut यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है ग्राफिक्स के अंदर, ज्यादा यहाँ पे कुछ आपको इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। बस आपके पीसी सेटिंग्स को जो है पूरा रिमूव कर देंगे हम, और उस पीसी सेटिंग्स को रिमूव करने के बाद में हम अपने GTA San Andreas Definitive Edition को GFX के साथ में अपने फ़ोन में चला सकते हैं। अब कुछ लोगों के फ़ोन में 4GB रैम है, 6GB रैम है, ऑब्वियसली बात है उनका प्रोसेसर भी इतना अच्छा नहीं है, तो वो लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है मेरे फ़ोन के अंदर। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो गेम प्ले को, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। और आपको करना कुछ नहीं है, बस एक फाइल को आपको डिलीट करना है जिसकी वजह से आपकी सारी पीसी सेटिंग जो है रिमूव होने वाली है। कैसे आपको करना है वो भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, मिस्टर सेफ्रॉन वाईटी के चैनल पे भी आपका स्वागत करता हूं। एंड नाउ करना कुछ नहीं है, आपने गेम को डाउनलोड कर लिया है, टेलीग्राम पे जाकर के आपने वहाँ से स्टेप्स को देख करके सारे अपनी गेम के अंदर कर लिए हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने जेराल्ड फ्यूर को ओपन करना है, और उसको ओपन करने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, एंड्रॉयड अनप्रोटेक्टेड के फोल्डर में जाकर के सीधा हमें यहाँ पे जाना रहेगा डेटा के फोल्डर में। आप देखोगे तीन फोल्डर हमें देखने के लिए मिलेंगे, उसमें से आपको डेटा फोल्डर में जाना है, GTA San Andreas के फोल्डर में जाके फाइल्स में यहाँ पे जाएंगे, एंड UE4 के अंदर जाकर के यहाँ पे हमें गेम फेस के अंदर जाना है। एंड गेम फेस के अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पे जो है कंटेंट में जाना है, और फिर यहाँ पे हमें पैक्स में जाना है, मोड्स का फोल्डर मिलेगा इसके अंदर जाना है, और ये मोड्स का जो फोल्डर है इसके अंदर जाने के बाद में आपको ये फाइल मिलेगी 500 रीस्टोर पीसी सेटिंग्स, इस फाइल को आपको डिलीट करना है। अब ये आपके फ़ोन में से सारी पीसी सेटिंग्स हट जाएगी, लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो ना तो आपको ये वाली दो फाइल भी डिलीट करनी पड़ेगी जो आप नीचे देख सकते हो। ये जो दो फाइल्स आपको दिख रही है, तीन फाइल्स एक्चुअली, इसको भी हमने डिलीट किया, और ये जो 1 और 2 पैक चंक वाली फाइल है इनको भी हमें डिलीट कर देना है। अब ये वही डिलीट करना जो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, वो वाला वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो तभी आपको ये फाइल डिलीट करनी है, और आपको कुछ नहीं करना है। बस दिस वॉज द सिंपल सॉल्यूशन जिससे आप अपना गेम का लैग पूरा फिक्स कर सकते हो। ग्राफिक्स में थोड़ा डिक्रीमेंट होगा बट इतना नहीं होगा, और आप अपने गेम के अंदर एक नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखोगे। उसके अलावा यहाँ पे अपने गेम के अंदर सारी की सारी स्पोर्ट्स कार्ड्स और मिशंस और जो दूसरी चीज़ें हैं वो वही सेम रहने वाली है, GFX आपका काम करने वाला है, बस PC सेटिंग्स आपकी नहीं रहेगी। सो PC सेटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड GFX इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू विल हैव GFX, सो डोंट वरी अबाउट दिस, यू जस्ट हैव टू डिलीट दीज फाइल्स टू फिक्स योर इन गेम लैग। नाउ इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मिस्टर सेफ्रॉन YT इज साइनिंग आउट।